हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल आर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करते हैं। मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं जो लड्डू, उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम तिल का लड्डू बनाते हैं। तिल के लड्डू के लिए फ्रेंड्स 2 कटोरी तिल और 1/4 कटोरी मूंगफली और 2 कटोरी गुड़ का होना चाहिए। तिल को हम सूखा रोस्ट कर लेते हैं और मूंगफली को भी सूखा ही रोस्ट करते हैं। विंटर में फ्रेंड्स तिल और गुड़ दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। जितने भी हमारे त्योहार होते हैं फ्रेंड्स, वो मौसम के अकॉर्डिंग ही मनाए जाते हैं। जैसा कि आजकल के खान पान में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि इतनी प्रॉब्लम होती है। पहले देखिए तो कोई इस तरीके के खान पान नहीं करते थे, सारे त्योहार सीजन के अकॉर्डिंग ही रहते थे। तिल के लड्डू के लिए फ्रेंड्स जितना हमने तिल लिया था उतना ही गुड़ लेंगे। 1/4 कप पानी डाल के चाशनी को हम तैयार कर लेते हैं। जब से हमारी चाशनी तैयार हो रही है, गुड़ को थोड़ी थोड़ी टाइम पे चलाते रहना है, नहीं तो नीचे चिपक जाता है। तब से हम अपनी मूंगफली को साफ कर लेते हैं। इसके छिलके को पूरी तरीके से निकाल के फ्रेंड्स ग्राइंडर में हल्का सा पीस लेना है। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। अगर आपको पसंद हो तो इसी में 1 मुट्ठी भुनी हुई तिल भी डाल के पीस सकते हैं। हल्की सी मूंगफली पीस जाने के बाद थोड़ी सी तिल हम भी उसमें डाल के 1 राउंड घुमा देंगे मिक्सर को, जिससे वो 2-2, 3-3 टुकड़े हो जाए तिल। बस चाशनी को चेक करते हैं फ्रेंड्स। पानी में डालते हैं 2 बूंद तक। अगर वो बराबर पूरा गुड़ उठ गया तब तो चाशनी हमारी तैयार है। अब इस चाशनी को हम अपने तिल और मूंगफली के मिक्सर में डाल के उसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, फिर लड्डू को बना लेंगे। लड्डू बनाते समय फ्रेंड्स कोई भी ऑयल या तिल आप प्रयोग कर सकते हैं। त्योहारों का मजा ऐसे ही काम करने में है। जब अपनी फैमिली के लिए हम कुछ बनाते हैं, करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आपको अगर ये लड्डू पसंद आए तो आप भी बनाइएगा, तो बताइएगा कैसा बना है और कैसे बनाए हैं। ये देखिए हमारे लड्डू तिल के तैयार हो गए। अब इसके बाद हम बनाते हैं चावल के लड्डू। ऐसे देखने में तो लगता है कि बहुत टाइट है, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सौंधा लड्डू बना है फ्रेंड्स। चावल के लड्डू के लिए फ्रेंड्स जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो उन्हें आप हल्का सा रोस्ट कर ले सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल या घी डाल के। हम तो देसी घी में बना रहे हैं, क्योंकि ऑयल की स्मेल चावल में आ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए देसी घी का प्रयोग कर रहे हैं। जो भी आपको पसंद हो, गरी का बुरादा हो, बादाम हो, किशमिश हो, चिरौंजी हो, काजू, जो भी आपको पसंद हो उसे ले सकते हैं। 1/2 किलो चावल के आटे में 3 टेबल स्पून घी डाल के उसको भूंज लेते हैं और निकाल के रख देते हैं कि ठंडा हो जाए। कि इसमें चीनी का बूरा हो या पिसी हुई चीनी आप गर्म पे डालेंगे तो वो मुलायम होने का, जैसे थोड़ा सा भाप बन जाता है तो उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो उसको ठंडा होने दें। उसके बाद 1/2 कटोरी या 1 कटोरी मावा डाल दें। फिर जितनी जरूरत पड़ेगी बाइंडिंग उसमें जितना हो सके उतना देसी घी ऊपर से डाल दें। और सारे ड्राई फ्रूट को आप, किशमिश को नहीं फ्रेंड, काजू बादाम या जो ऐसे हैं उनको हल्का सा पीस ले, बहुत महीन ना पीसे, हल्का सा दरदरा पीसे और फिर मिक्स करके बांध दे। हल्का सा इस खुशबू के लिए इलायची का पाउडर डाल दीजिए। बहुत अच्छा लड्डू बनता है। हमारी बड़ी बिटिया को ये बहुत पसंद है, स्पेशली ये उसी के लिए बनता है। ये हमारे चावल के और तिल 2 चीज के लड्डू तैयार हो गए हैं।
लड्डू को ट्राई आप जरूर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने हैं, आपको अच्छे लगे या नहीं। हमारा तीसरा लड्डू है फ्रेंड्स मूंग के दाल का। मूंग की दाल के लड्डू के लिए फ्रेंड्स आप मूंग की दाल को सुखा के, धुल के सुखा के उसे पीस भी सकते हैं। अगर नहीं सुखा पाए हैं तो उसको धुल के फ्रेंड्स पंखे के नीचे डाल दीजिए किसी कॉटन के कपड़े पे, जिससे उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद उसको 2 चम्मच घी डाल के कढ़ाई में सुनहरा भून लीजिए। भुनने के बाद उसे रख दीजिए थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद उसे छन्नी से छान के फ्रेंड्स 3 चम्मच घी डालिए, उसमें इसी पीसे हुए पाउडर को मूंग की दाल का जो है उसको डाल के 2-3 मिनट तक फिर से भून लीजिए। भूनते समय गैस को लो फ्लेम पे रखिएगा, हाई या मीडियम मत करिएगा, क्योंकि एक बार मूंग की दाल हमारी भुनी हुई है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा फिर से घी डाल के भूनते हैं तो उसकी स्मेल अलग हो जाती है। और हल्का सा इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, इसी समय डालिएगा। और जो आपके पास ड्राई फ्रूट हो, गरी का भूरा हो, बादाम हो, काजू हो, किशमिश हो, चिरौंजी जो भी हो उसको इसमें इसी वक्त डालिएगा। बादाम काजू वगैरह है तो उसको थोड़ा सा क्रश करके या हल्का दरदरा पीस के डालिएगा। किशमिश को ऐसे ही डालिएगा और फिर आप गैस को बंद करके इसको रख दीजिए ठंडा होने के लिए। क्योंकि गर्म में फ्रेंड्स आप जानते हैं कि चीनी का भूरा या पीसी हुई चीनी आप कुछ भी डालेंगे तो वो मॉइस्चर देके गीला हो जाता है। इसको ठंडा होने दीजिए। अभी ठंडा होने के बाद इसमें चीनी मिलाइए, जितना मूंग की दाल हो। अगर 500 ग्राम मूंग की दाल है तो 400 ग्राम आप चीनी डालिएगा, इसमें मीठा ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके बाद इसको बांध दीजिए, बहुत आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, इतना बनाने में 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, 1.5-2 घंटे, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ और घर के काम चलते रहते हैं। अगर हम किचन में खड़े हैं तो किचन के काम कंटिन्यू रहते हैं। इस त्योहार पे ये लड्डू बनाइएगा जरूर फ्रेंड्स। और कैसा लगा आपको और आपकी फैमिली में आपके बच्चों को कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये हमारे मूंग के लड्डू तैयार हो गए। तो ये संक्रांति स्पेशल लड्डू जो हमने बनाए थे वो आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, कोई त्रुटि हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। आपका कमेंट्स और लाइक हमें बहुत प्रोत्साहित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स।